हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे एक बैटल वाली स्टोरी जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में। अगर आप इंडिया का इतिहास निकालिएगा तो ये बैटल के बिना हम लोग मतलब क्या है कि जो इतनी भी बैटल हुई है उन सब में बोल सकते हो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बैटल है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत में तो बहुत सारी लड़ाई हुई है बट उसमें कि ये पहली लड़ाई है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे किसके किसके बीच हुई थी, कौन जीता था, कौन हारा था। इस बैटल के होने के बाद इंडिया का इतिहास जो होता है, हिस्ट्री है, कैसे बदल जाती है, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है कि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे तो आपके जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप मानिए कि चलते फिरते गए, कोई आपका छोटा भाई छोटी बहन आपसे पूछ लेते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, क्या था उसमें, कौन कौन लड़े थे, तो इस एतबार से भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि ये किसके किसके बीच हुआ था, कौन हारा था, कौन जीता था इसमें, ये सब सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस एपिसोड में। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, मतलब कि जाहिर से बात है इसमें लड़ाई हुई थी और हमने अभी तक देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत हमने देख लिया है, अब क्या है कि दिल्ली सल्तनत की एंडिंग हो जाती है इसी बैटल के बाद। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये बाबर और लोधी के बीच में होती है, इब्राहिम लोधी के बीच में ये लड़ाई होती है। इसमें क्या होता है कि बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। अब ये जानना होगा कि बाबर आया कहाँ से था और इब्राहिम लोधी था कौन, इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में हम जानेंगे कि ये दोनों आए कहाँ से थे और हमारे हिंदुस्तान में लड़ रहे थे, क्या इनका वजूद जो था, इनके जो एंसेस्टर थे वो हिंदुस्तान के ही थे। ये आप समझ लीजिए कि दोनों के जो एंसेस्टर थे वो हिंदुस्तान के नहीं थे, ठीक, दोनों बाहर से आए थे, दोनों ने लड़ाई लड़ी और इंडिया को जीता, ठीक। इंडिया के लिए दो बाहर के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। और कहाँ पे लड़ा, पानीपत में, तो इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट क्यों बोले, क्योंकि इसके बाद भी इसमें एक और होती है, दूसरी और फिर तीसरी, मतलब कि टोटल तीन बैटल हुई है पानीपत में, तीनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, जो आपके एग्जाम के एतबार से आपके एंट्रेंस में सवाल इस टॉपिक से इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो सब सारी चीज़ें हम इसमें पुट किए हैं, वो सब सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुगल एम्पायर वर्सेस लोधी डायनेस्टी, पीपीटी पे आप देख रहे होंगे कि मुगल वर्सेस लोधी डायनेस्टी, जो मुगल एम्पायर थी उनके और लोधी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुई थी इन दोनों के बीच में। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच हुई थी, लोधी और मुगल के बीच में। एक सेकेंड, तो चलिए और सारी चीज़ें इसमें जान जाते हैं। डेट क्या था, 21 अप्रैल 1526, मतलब कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में ये बैटल हुई थी। दो क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया बैटल ऑफ पानीपत से, ठीक। अब क्या था, जगह कौन थी, पानीपत, ठीक है भाई। तो पानीपत कहाँ पे, ये है हरियाणा में, पानीपत आपका कहाँ पे है, हरियाणा में। हरियाणा का कैपिटल कहाँ पे है, चंडीगढ़। देखो कि ये क्या है कि इससे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो याद हो जाती हैं बार बार, जिनको याद नहीं होगा चंडीगढ़ वो उनको याद हो जाएगी ये सब सारी चीज़ें। अब ये भी चीज़ें जान लीजिए, हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें जीता कौन था, हारा कौन था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी चैम्पियन लेके जा रहे हैं कौन, मुगल, मुगल इसमें जीत जाते हैं और लोधी का सुपड़ा साफ हो जाता है, मतलब कि वो हार जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये चारों चीज़ में चार क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में, ठीक। जगह कौन सी थी, पानीपत, बेसिकली पानीपत है कहाँ पे, हरियाणा में, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, उसके सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ठीक। मुगल क्या होते हैं, इसमें जीत जाते हैं और लोधी इसमें हार जाते हैं, लोधी को यहाँ से जेल छोड़ के जाना पड़ता है और मुगल फिर से यहाँ पे रूल करने आते हैं। ये देखिएगा कि ये रही मुगल की आर्मी, इसमें देखिए तोप गोले बारूद सब कुछ है, और ये रही आपकी लोधी की। अब देखिए ये फोटो उतनी थोड़ी सी क्लियर नहीं है बट कोशिश कीजिएगा समझने की, इसमें हाथी थे, ठीक, घोड़े भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़ी आर्मी थी लोधी की, मतलब कि मुगल के कंपेयर में लोधी की आर्मी जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। फिर क्या था कि फिर भी क्या हुआ, मुगल कैसे जीत गए, तो इस चीज़ को हमें जानना है कि मुगल ने ऐसा क्या करा कि मुगल जीत गए। क्या बाबर सही में बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी था इसलिए वो जीत रहा था, ऐसी कुछ नहीं है। जो बाबर था ना, उससे पहले जो अपना अंसेस्टर का जो घर था, मतलब कि इनके दादा पर दादाओं का जो घर था, वो सब कुछ ये हार चुका था, ठीक, मतलब कि अपने ही घर से इसको भगाया जा चुका था। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल राजा नहीं था बाबर जो था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल राजा नहीं था। इससे पहले क्या था कि बहुत बार, मतलब 20 बार अपने जो एंसेस्टर के घर थे जहाँ से इसको भगाया गया था, समरकंद और फरगाना, ठीक,
समरकंद और फरगाना, बेसिकली ये यहीं से बिलोंग करता था। फरगाना से मतलब कि दादा था, दादा का घर उसका वहीं पे था, और समरकंद में भी उसने रूल करा था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद दोनों जगह से उसको हारना पड़ा। फरगाना बेसिकली अभी उज्बेकिस्तान है। तो आप बोल सकते हो बाबर जो बिलोंग करता था वो कहाँ से करता था? उज्बेकिस्तान से। ठीक, उसके बाद उसकी हिंदुस्तान पर नज़र पड़ी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अफगानिस्तान से भी आया था, क्योंकि क्या हुआ था 1504 में वो काबुल को फतह कर लिया था। अब क्या था कि अपने दादा के घरों से भगा दिया गया था, मतलब उसकी जो बेसिकली जो पुरानी होम टाउन थी उससे उसको भगा दिया गया था। तो राजा उसके थोड़े से आर्मी जो होंगे उनको रखने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, तो वो जगह उसने डिसाइड किया था 1504 में काबुल को उसने जीत कर, काबुल को उसने जीत लिया। अब क्या था, काबुल से उसका दिल नहीं भरता था, मतलब उसको लगता था समरकंद फरगाना जैसी जगह को मैंने छोड़कर काबुल को जीता है, उससे वो ज़्यादा खुश नहीं था। ठीक, तो फिर वो चाहता था कि नहीं, उसकी नज़र जो थी, उसका जो एम्बिशन भी था बचपन से, मतलब उसके अब्बा के टाइम से उसकी हिंदुस्तान पर नज़र थी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो वेल्थ था उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक, मतलब ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान पे रूल कर लिए तो मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी, तो इसका ये सपना भी था। बट ये अपनी ही जगह पे अनसक्सेसफुल बहुत ज़्यादा रहा, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर उसने जब काबुल को जीता तो इसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, और इसके जो भी फौज में जो आर्मी थे, हेड थे, मतलब इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये सब सारे बहुत काबिल तारीफ थे, मतलब बहुत अच्छे कमांडर थे। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको मदद की। और कुछ लोग बोलते हैं कि लोधी की जो था, मैंने जब दिल्ली सल्तनत आपने देखा होगा, इब्राहिम लोधी बहुत ज़्यादा ये क्रूएल आदमी था, मतलब किसी की सुनता नहीं था, कोई भी नॉवेल्स के सुनता नहीं था, नॉवेल्स वगैरह को ऐसे ही मार देता था। इसके खुद के चाचा जो अलाउद्दीन लोधी थे वो भी खुश नहीं थे, और पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी वो भी इससे खुश नहीं था। उन लोगों ने ऐसा कहीं कहीं लिखा जाता है कि उन लोगों ने बाबर को इन्वाइट किया, मतलब कि इनके इन्वाइट करने पर बाबर आ जाए ये भी मुमकिन नहीं है। बहुत जगह लिखा है राणा संगा जो है वो भी इनको इनवाइट करते हैं। अब ऐसा है क्या कोई राजा मतलब अपनी सल्तनत लेके किसी के बुलाने पे आ जाए जो आप उसी के खानदान के उसी की जगह को? ऐसा भी नहीं है। मतलब बाबर ने पूरी इसकी जानकारी की होगी, पूरे तरीके से पढ़ा होगा हिंदुस्तान को, तब जाके वो अटैक करता है। मतलब बुक में जो लिखी गई है वो भी चीज़ें हमें जाननी जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी कहने पे बाबर डायरेक्ट आ जाए। कोई भी अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि किसी के बुलाने पे आप किसी से लड़ने नहीं चल जाओगे जब तक उसकी पूरी जानोगे नहीं। लोधी तो खेलता हुआ बच्चा नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, मतलब मुगल के आर्मी के इंटू फोर कर दोगे, उतनी बड़ी आर्मी थी लोधी के पास। ठीक, मतलब कि फुल तरीके से उसको पढ़ के गया था, बिना पढ़े उसे अटैक नहीं किया था। ठीक, अब आते हैं आगे की चीज़ में, हम लोग देखेंगे ये चीज़ें। आप लोग एक बार देख लीजिए कि मुगल पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 में कहाँ हुई थी, पानीपत में जीता कौन था मुगल, हारा कौन था लोधी, इब्राहिम लोधी हारा था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा है इस पूरी गेम का, जो हम लोगों ने अभी गेम देखा उस पूरी गेम का बैकग्राउंड, कि किसके पास कितनी आर्मी थी, क्या किसका स्ट्रेंथ था, ये सब सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। देखिए बैकग्राउंड इसकी क्या है, बाबर की और इब्राहिम लोधी की, क्योंकि इन दोनों ने ही लड़ा था। अब ये किसके खानदान से, इनसे डिसेंडेंट कौन थे, ये तैमूर और चंगेज खान के वंशजों से आया था। मतलब इसके वंशज तो बहुत मतलब तगड़े हैं, तैमूर भी बहुत तगड़ा है, और चंगेज खान जो इसके मंगोल होती है। अब बोला जाता है कि जो इसका ननियाल का खानदान था वो चंगेज खान से बिलोंग करता था, और जो दरियाल था वो तैमूर के खानदान से ये बिलोंग करता था। अब ये क्या है, अफगान रूलर बहलोल लोधी के खानदान से ये आया था इब्राहिम लोधी। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। सेकेंड आते हैं रूलर ऑफ काबुल, ये कहाँ का रूलर था, काबुल को मैंने आपको बताया 1504 में ये काबुल को जीता, उससे पहले ये फरगाना और समरकंद का राजा हुआ करता था। ठीक, फिर उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो काबुल में आकर बसेरा लिया, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान पे उसने काबिज करने का सपना उसका तो पहले से था उसको सकारा। ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। ठीक, कौन, इब्राहिम लोधी। आगे बात समझ में, इनकी आर्मी कितनी थी 12,000 की, और इनकी आर्मी कितनी थी 1,00,000 की, समझ सकते हो, मैंने तो इंटू फोर बोला था, उससे बहुत ज़्यादा है ये। ठीक, अब स्ट्रेंथ क्या थी इतनी बड़ी आर्मी की, इसने हराया किसे, गन पाउडर। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदुस्तान में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल किसने किया था, तो बाबर ने किया था। फायर आर्म्स, मतलब इनके पास बंदूकें भी जो थी, आगे आग वोग लगाने वाली थी। फील्ड आर्टिलरी, मतलब कि तोप वगैरह भी इनके पास थे, मतलब कि पूरी मतलब तैयारी से आया हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर से इन्होंने सीखा था। ठीक, ऑटोमन एम्पायर और चाइनीज एम्पायर इसको बहुत पहले इस्तेमाल कर चुके थे, बट हिंदुस्तान में पहली बार बाबर ने इसको इंट्रोड्यूस करा, मतलब कि बंदूकों में लगाकर फायर करने के, गन पाउडर का इस्तेमाल मतलब बंदूक में करके कार्टिलेज के फॉर्म में इनको उड़ाने का काम किया। उससे पहले तो पाउडर थी, बट उसको इस्तेमाल कैसे करना है वार वगैरह में, ये सब सारी चीज़ें नहीं पता था। तो गन पाउडर का इंट्रोड्यूस किसने करा इंडिया में, बाबर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बाबर इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया।
गन पाउडर, ठीक। ये चीज आपके, ये सवाल मैंने बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर आते हैं, इनके पास क्या थे, कैवलरी थे और एलिफेंट थे, मतलब घोड़ोसवार और हाथी इनके पास बहुत ज्यादा हाथी और घोड़े दिल्ली सल्तनत में थे। इब्राहिम लोदी अपनी आर्मी को लेकर आए थे। अब देखते हैं कि ये हाथी घोड़े ही कैसे भारी पड़ जाते हैं इनके आर्मी पे, वो सब सारी चीज हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो इनकी आर्मी होती है, मुगल अपने आर्मी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिसिप्लिन वाली आर्मी थी। अब देखो कि 12,000 की आर्मी 1,00,000 को हराने जा रही है, सामने ही देखकर पीछे से मुड़ के भागाएंगे, ठीक। और राजा वैसे कि इन्होंने अपने ही खानदान को नहीं बचा पाए, मतलब अपने ही वंशज का किला नहीं बचा पाए और हिंदुस्तान को फतह करने जा रहे थे। इधर जो इब्राहिम लोदी, मतलब कि पूरी दिल्ली सल्तनत, मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पूरा रजवाड़ा इनके हाथ में था, ठीक। पहले से ही क्रूअल आदमी था। और इधर बाबर जो हार के आ रहा है, बहुत आसान नहीं थी लड़ाई है, ठीक। फिर क्या था कि इसने क्या किया कि जो इसके हाथी घोड़े थे, इसका बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स भी उसने यूज करा था, गड्ढे करवाए थे, ठीक। और क्या करा था कि हाथी और घोड़े के बीच में इन्होंने पहले से ही आर्टिलरी से गन पाउडर वगैरह का धमाल मचा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ, एक्सप्लोशन हुआ जब गन पाउडरों का उस साइड, इब्राहिम लोदी की साइड, तो हाथी जो थे बौखला गए, मतलब कि पागल से हो गए और अपने ही आर्मी को लगे कुचलने, ठीक। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, जो जानवर थे अपने ही लोगों को मारने लगे। और फिर इधर आए तो सामने की तरफ बीच में क्या होता है, बाबर ने गड्ढा करवा दिया था कि आएंगे और गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर हमारी जो आर्मी होगी इन पे वार करेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स का, टैक्टिक्स का इन्होंने इस्तेमाल करा था बाबर ने इस लड़ाई में, तभी जाके ये आर्मी जो थी 12,000 की आर्मी 1,00,000 की आर्मी को हरा देती है, ठीक। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। अब हम लोग चलते हैं आगे इन सब चीज़ों पर। बाबर बिफोर बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत से बाबर, पानीपत बैटल जो थी लड़ाई, एकदम से कूदना उसमें नहीं था, उससे पहले इन्होंने हिंदुस्तान पे क्या क्या करा, बहुत बारी कोशिशें करी हैं इन्होंने जो हम लोग नहीं पढ़ पाते। हमें लगता है कि बाबर जो होता है पहली बार आता है और जीत के चला जाता है, ऐसा नहीं है। बाबर फर्स्ट एक्सपेडिशन, पहली बार जब वो आया था तो देखिएगा PPT थोड़ी ऊपर नीचे हो चुकी है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। बाबर जब पहली बार आता है इंडिया में 1519 में, और किस किस चीज़ को जीतता है, कनकट, बाजौर एंड बेहर, ये पाकिस्तान का बेसिकली अभी पार्ट है, इन दोनों जगह को जीतता है। पहली बार जब वो हिंदुस्तान को जीतने के लिए आता है तो दो ही जगह को जीत पाता है, बाजौर और बेहर को, ठीक। सेकेंड बार आता है, फेल टू कैप्चर हिंद, मतलब हिंदुस्तान को फिर वो फेल हो जाता है कैप्चर करने में, 1519 में ही फिर वो अटैक करता है। अब ये हो सकता है कि ये स्टार्टिंग मंथ में कराओ ईयर के और ये लास्ट में कराओ, फिर से ये फेल हो जाता है इनको कैप्चर करने में। फिर क्या होता है, 1520 में फिर आता है और इसने किस किस चीज़ को जीता, बेहरा और सियालकोट। सियालकोट भी आपको पता है कि सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई थी, और बेहरा, मतलब ये भी दोनों पाकिस्तान के ही पार्ट को उसने कन्वर्ट करा, मतलब कि उस कोशिश कर रहा था बट फिर से उसको पीछे आना पड़ रहा था। ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत ज़्यादा नहीं मेंशन होती है। तो ये भी मतलब कि पानीपत से पहले भी वो हिंदुस्तान को जीतने के लिए बहुत बार कोशिश कर रहा था बट नाकाम हुआ था। इन 1524 ही ऑक्युपाइड लाहौर एंड जालंधर, ठीक, लाहौर और जालंधर और पंजाब को इसने जीता 1524 में, पंजाब को जीता दौलत खान को हरा कर, जो इसको इनवाइट कर रहे थे उनसे भी इसकी लड़ाई हुई थी, ठीक, उसको भी हराया था इन्होंने पंजाब में, क्योंकि पंजाब के गवर्नर उस टाइम कौन हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत में, दौलत खान लोदी गवर्नर ऑफ पंजाब, ठीक। इनको हराकर ये पंजाब में एंट्री लेता है। देन क्या होता है, पंजाब में आने के बाद ये हरियाणा डिसाइड करता है। अब बहुत लोग सवाल ये होता है कि इसने पानीपत को ही क्यों चुना, पानीपत को इसलिए चुना कि इसकी आर्मी वहाँ पे आसानी तरीके से पहुँच सकती थी और बैटल फील्ड भी अच्छा था, और क्या था कि वहाँ से पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना बहुत ईजी था, मतलब दिल्ली तक पहुँचना बहुत ईजी था। ये सब सारी वजह हो सकती हैं। तो ये देखा आपने कि पहली बार उसने कोशिश करा था तो दो जगह को जीता 1519 में, बाजौर और बेहर को। दूसरी बार में क्या था कि 19 में ये फिर से फेल हो गया, फिर से आया, कुछ कामयाबी उसको हासिल नहीं हुई। फिर उसको 20 में आया, दो जगह को जीता, सियालकोट और बेहरा को, ठीक, बेहरा को। और फिर क्या होता है, फाइनली 1524 में आता है वो पंजाब, लाहौर और जालंधर को जीत लेता है। जो जालंधर, ये भी पंजाब के अंदर ही आता है, लाहौर जो पाकिस्तान के उस टाइम जो पाकिस्तानी पंजाबी बोल सकते हो बेसिकली, लाहौर वहाँ पे पाया जाता है, ठीक, पाया गया वहाँ पे है। पंजाब जो है आपका इंडिया का पार्ट, जो बेसिकली अभी का पंजाब है, ये हो गई चीज़ें। अब आते हैं हम लोग, अब ये कहने का मतलब था, लाहौर भी उस टाइम पंजाब का पार्ट था, जालंधर भी अभी पंजाब का पार्ट है, तो इन दोनों को मिलाकर पंजाब वो बेसिकली फुल्ली तरीके से जीत जाता है, वहाँ से ये एंट्री लेता है हमारे यहाँ। तो ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, कॉज बिहाइंड दिस बैटल।
मतलब कि क्या कारण था कि ये बैटल लड़नी पड़ी, बैटल ऑफ पानी का, भाई इसको हिंदुस्तान चाहिए और क्या, ये कम था हिंदुस्तान चाहिए कि आपको दूसरा सा कॉज जानना है। एम्बिशन ऑफ बाबर, मैंने पहले ही बताया था कि बाबर की ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करे, क्योंकि उनके अब्बा भी चाहते थे कि हिंदुस्तान में आना, इन पे हुकूमत करना, तो बाबर की भी ये ख्वाहिश थी कि हम आए। मैंने नहीं बताया कि दौलत खान के कहने पे और चाहे किसी भी और राजा के बुलाने पे बाबर आए इंडिया में और लड़ाई लड़ी, और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, मतलब अपनी जान की भी फिक्र उनकी नहीं थी और किसी के बुलाने पे जाएंगे, ऐसा नहीं है, उनका भी दिल था, ठीक। और क्या हो सकता है, मिजरेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अब जो दिल्ली सल्तनत की उस टाइम पॉलिटिकल कंडीशन थी, दिल्ली सल्तनत की बहुत बेकार थी, बहुत अनस्टेबल टाइप की गवर्नमेंट चल रही थी दिल्ली सल्तनत में उस टाइम में, ठीक। तो उसका भी फायदा उन्होंने उठाया, कोई गवर्नर खुश नहीं था सुल्तान से, ठीक। जो इब्राहिम लोदी थे बहुत मतलब के क्रूअल टाइप के राजा थे, वो किसी की सुनते ही नहीं थे, ठीक। तो इसलिए क्या था कि इसका भी फायदा बाबर को हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंदर की पॉलिटिक्स की खबर भी उसको पहुँच जाती थी। इन्विटेशन ऑफ दौलत खान एंड राणा संगा, इन दोनों की भी मदद मिली उसको, ठीक। कहीं कहीं सिर्फ दौलत खान है, कहीं राणा संगा है। देखिए है कि नहीं है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हो। बाद में क्या होता है, राणा संगा से भी उसकी लड़ाई होती है और दौलत खान को तो वो पंजाब में हरा ही चुका होता है, दोनों को हराता है, ठीक। तो ये रही, ये आपके रहे कोर्ट में बाबर की, ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे हो, पुरानी तस्वीरें हैं, इनको भी देख सकते हो आप, ठीक। अब हम लोग आते हैं आगे, वार टैक्टिक्स, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करा था बाबर ने, वो सब हम लोग देखते हैं। पहला क्या था, कैलरी, मतलब घोड़ सवार जो थे, इनकी पूरी डिसिप्लिन आर्मी थी, किनकी, बाबर की। बाबर की जो आर्मी थी बहुत ही डिसिप्लिन आर्मी थी, मतलब घोड़ सवार भी जो भी थे इनके बहुत तगड़े थे और बहुत अच्छे कमांडर के अंदर में ये लोग थे। कैलरी तो उनके पास भी थी, किनके पास, इब्राहिम लोदी के पास, उनके पास हाथी और घोड़े दोनों थे, बट हाथी जो थे इस तोप के गोले को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ठीक। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रही थी और हाथी को आवाज़ पसंद नहीं है और एकदम से गिर रही है, वहीं पे ब्लास्ट कर जा रही है, एक्सप्लोशन हो जा रही है, तो हाथी पूरा सा बिल्कुल सा पागल हो जा रहा है, अपने ही लोगों को कुचल मार रहा है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। अब क्या है कि ये आपके रहेंगे घोड़सवार आप लोग दिख रहे हो, कैवलरी जो है, हो गई दोनों चीज़ें, दो टैक्टिक्स इनकी, और क्या है इनका देखते हैं हम लोग। ये देख रहे हो अरामा, अराबा बोल सकते हो एक टाइप का रिजर्व आर्मी था, मतलब कि इमीडिएट फोर्स करता था किनके पास, कि अगर जो आर्मी लड़ रही है वो लड़ रही है, थोड़ी सी उधर की आर्मी कमजोर होगी, ये मतलब जानवरों आर्टिलरी के पीछे ये लोग खड़े थे, अब एकदम से मतलब कि थोड़ा सा वार बिल्कुल, वो भी थक गए आप भी थक गए, तो ये आर्मी एकदम से आती थी वो हारे हुए को और हरा कर चली जाती थी, ये भी एक टैक्टिक्स का पार्ट हुआ करता था। ये रहा तुलगामा, इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे ये मतलब एक टैक्टिक्स है, बाबर ने इसको इस्तेमाल किया था पानीपत में, तो गड्ढे कर दिए, सारे गड्ढे खुदवा दिए यहाँ पे, यहाँ पे इनकी आर्मी खड़ी है, यहाँ पे इनका तोप है, मतलब गड्ढे से आगे, उधर किसकी है, इब्राहिम लोदी की। वो लोग जब वार करेंगे मतलब कि घोड़े हाथी मतलब पागल हो गए, कुर्ते दौड़ते आएंगे इधर पे, तो ये ढका हुआ था, बहुत कमजोर चीज से ढका हुआ था, वो आ रहे थे और इसके अंदर गिर जा रहे थे, फिर इधर से इन लोग अपना वार करना शुरू कर देते, मतलब पूरी जाल बिछाई हुई थी, जो हम लोग सोचते थे ये फिल्मों वगैरह में देखते थे, ये सब सही में रियल में हुआ है कि हम लोग चल रहे हैं और पैर हमारी किसी प्लास्टिक वाली चीज़ें पे जाती है और हम लोग गड्ढे पे गिर जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें ये वार में इस्तेमाल की गई थी। तो पानीपत में इन्होंने बहुत पहले से अपना तैयारी करना शुरू कर दिया। अब ये नहीं है कि एक रात में वार होती थी, कैसे तैयारी करेंगे, चलो मिलते हैं, ऐसा नहीं होता था, पहले वार फिक्स हो जाती थी, पहले ज़माने में जो लड़ाई होती थी वो फिक्स हो जाती थी कि हम यहाँ पे लड़ेंगे, और वहाँ पे लोग आके अपनी अपनी तैयारी करते थे, इधर आप अपनी कर रहे हो, उधर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और वार डे के दिन झंडा दिखाया जाता था, फिर वार शुरू हो जाती थी, लड़ाई शुरू हो जाती थी, राजा पीछे रहते थे और इनके जो कमांडर होते थे वो लोग आगे रहते थे। हम लोग आगे भी जानेंगे कैसे, कौन साइड से कौन लीड कर रहा था मुगल को, ये भी हम देखेंगे। अब बोलिए कि दिल्ली सल्तनत को हम लोग क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि वो लोग हार गए थे, उनके अंदर इतना डिसिप्लिन टाइप का नहीं होगा, तभी तो हारे थे, और मुगल ने ये सब सारी चीज़ों को टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था तब ये जीत पाए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उनके पोजीशन ऑन वार, पोजीशन क्या था वार में, बाबर ने किसको कहाँ पे सौंपा था, कौन सी जिम्मेदारी किनको कहाँ पे दी थी बाबर ने, और सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। तो वार जो पूरी खड़ी थी हमारी आर्मी, उन सबको इन्होंने डिवाइड कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, सामने से हम रहेंगे और आगे तो गोले बारूद है, और साइड से तुम सबको कचरते जाओ, ठीक। राइट साइड अंदर वली काजी, जो राइट साइड था, दाहिने साइड से कौन जा रहे थे, वली काजी और मलिक कासिम, मलिक कासिम का आपने नाम सुना होगा, एंड
बाबा कस्क जो थे, ये तीन लोग राइट साइड से लीड कर रहे थे अपने, मतलब ये कमांडर थे, इनके अंदर में इनकी आर्मी जा रही थी। कमांडर जो होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए, ठीक, आर्मी खुद से खुद वो पूरे जोश में आ जाती है। और मेन बिग साइड वाज अंदर हुमायूं, हुमायूं भी इस वार को लड़े थे, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हुमायूं का भी पार्टिसिपेशन था, मतलब अपने अब्बा के साथ ये भी ये लड़ाई में शरीक थे। लेफ्ट साइड अंदर था चीन तिमूर एंड सुल्तान सलीम, और लेफ्ट साइड से कौन लीड कर रहा था, चीन तिमूर एंड सुल्तान सलीम, मतलब कि टोटल ये लोग छह लोग जो थे ये लीड कर रहे थे वार को, मतलब कि अपनी आर्मी को। और तुलगामा मतलब टोटल जो आर्मी थी उनको हेड कौन कर रहा था, काराकुजी महदी एंड मोहम्मद निजर बेग, तीन लोग पूरे तुलगामा जो टैक्टिक्स थी बाबर की उसको ये लोग देखभाल कर रहे थे, सही से ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और जो राइट विंग था वो किसके हाथ में था, वली काजी, मलिक कासिम एंड बाबा कस्क। और मेन विंग जो था सामने वाला विंग था उसको कौन लेकर चल रहे थे, हुमायूं चल रहे थे। और लेफ्ट साइड किसके अंदर था, चीन तिमूर एंड सुल्तान सलीम के हाथ में, मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइज वे में पूरे डिसिप्लिन तरीके से ये लोग लड़ाई लड़ने जा रहे थे, मतलब कि कोई हटेगा नहीं अपने जगह से, सब अपने अपने जगह पे लड़ेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें पहले किसी ने सोचा ही नहीं था, और पहले उनकी आर्मी तो आपने तबाह कर दी, आपकी पूरी डिसिप्लिन में उनकी जो भी उन लोगों ने सोच के आई थी उनके हाथी घोड़े ने पागल करके सबको पागल कर दिया पूरे तरीके से। एक हाथी समझ सकते हो कि 10 को कैसे लपेट सकता है, पागल हाथी तो 100 को भी लपेट सकता है बहुत आसानी से। तो ये सब सारी वजह रही थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर को जीतने में, ये सब सारी चीज़ें मदद की थी। अब आते हैं कंक्लूजन क्या था, जाहिर सी बात है कि हमने वार देख लिया, वार में सबका पोजीशन भी देख लिया, कैसे वार लड़ी गई थी, कौन कौन चीज़ों का इस्तेमाल किया था बाबर में, बाबर के साइड से कौन कौन लोग भी थे, वो सब सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया। तो हम लोग देखते हैं इसमें, देखते हैं कि इब्राहिम का क्या होता है। यहाँ पे इब्राहिम लोदी चला जाता है, बेचारा चला जाता है ऊपर खुदा के पास चला जाता है। इब्राहिम लोदी वॉज डाइड इन द बैटल, बैटल में ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि तब बैटल खत्म हो जाता है। जब राजा मर गया तो उन सब सारे जो आर्मी होते हैं उन सारे आर्मियों को अपने आर्मी में शरीक करो और अपने आर्मी को इंक्रीज करो, ये टैक्टिक्स होती थी। राजा मर गया, सारे के सारे जो हाथ उठा लिए, मुझे नहीं लड़ना है भाई, हम आपके आर्मी में भी लड़ सकते हैं। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होती, इब्राहिम लोदी मर जाता है वार में और दिल्ली सल्तनत का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान कौन था भाई, इब्राहिम लोदी, ठीक, आगे बात समझ में। दिल्ली सल्तनत का लास्ट कौन था, इब्राहिम लोदी, फर्स्ट कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और मुस्लिम रूलर फर्स्ट कौन था, मोहम्मद गौरी, ठीक। अब आते हैं मुगल में, मुगल में बाबर ने एंट्री करा तो मुगल एम्पायर का फर्स्ट रूलर कौन हो जाएंगे, बाबर। आगे बात समझ में, तो ये चीजें थी कि एंट्री यहाँ पे मुगल की एंट्री होती है, जैसे दिल्ली सल्तनत से टर्मिनेट होकर आ जाते हैं हम लोग मुगल डायनेस्टी में, तो पानीपत ही होता है जहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म होती है और मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो अब इसके आगे हम लोग जब भी देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे किसकी, मुगल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये चैप्टर जो होता है, ये जो पानीपत जो होती है यहीं पे होता है ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबर को, देन उसके बेटे हुमायूं को। अब हुमायूं के बीच में जो बीच में गैप हो जाता है, शेर शाह सूरी आते हैं, तो शेर शाह सूरी अकेले रूल नहीं करते, पूरे सूर डायनेस्टी को हम लोग देखेंगे। देन आएंगे अकबर पे, अकबर के बाद जहांगीर पे, जहांगीर के बाद औरंगजेब पे, और फिर लेटर मुगल के जो राजा होंगे थोड़े बहुत उनको जानेंगे, फिर 1857 की रिवोल्ट होगी। मतलब कि अभी बहुत सारे हमें रिवोल्ट देखना है, 1857 होगा, फिर बैटल ऑफ बक्सर 64 में होगा, उसके बीच में दो बार लड़ाई होती है फ्रांस से और डच से अंग्रेजों की, उसमें देखते हैं बैटल ऑफ वंडीवास, बैटल ऑफ बेदारा। तो अभी बहुत सारे बैटल हमको हिस्ट्री में जानना है, और इसी तरीके से हम लोग मेडिवल से सीधे जाएंगे मॉडर्न में, ये सब सारी लड़ाई झगड़ों को देखते देखते जब जब बैटल होगा वहाँ से चीज़ें हिस्ट्री जो होंगी बदलेंगी। जैसे दिल्ली सल्तनत को बदलने वाला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, उसी तरीके से हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर से कैसे हम लोग ब्रिटिश को एंट्री देते हैं इंडिया में। मतलब कि बैटल ऑफ प्लेसी के बाद क्या होता है कि उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे बिखर जाती है, देन आपका 1857 रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट के बाद से ब्रिटिश रूल इंडिया में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू।